हम करने लगे हैं इंक्लूसिव, मीन निकालने लगे हैं हम इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज. अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दी हो तो उन केस में हम मीन कैसे निकालेंगे, आज हम इसको स्टडी करने लगे हैं. सो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम इंक्लूसिव सीरीज के केस में मीन निकाल रहे हैं तो हमें इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मिड वैल्यू चेंज नहीं होगा. अगर हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना भी देते हैं तो भी हमारा जो मीन है वो चेंज नहीं होगा. सो नीड नहीं है इंक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए. सो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक जिसमें हमें साइज गिवन है, इंक्लूसिव सीरीज के केस में गिवन है. साइज है हमारा सबसे पहले है 20, 29, दूसरा है 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69. इंक्लूसिव सीरीज है मतलब 29, 31 का डिफरेंस है, नहीं तो आप बाकी सब नॉर्मल सीरीज देखोगे उसमें इसमें वन का डिफरेंस नहीं होता है, इंक्लूसिव सीरीज में होता है. बट मीन के केस में हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. अब मैं इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 8, 6, 4, 2. मैं इसको स्टेप डेविएशन के साथ सॉल्व करूंगी. मैंने चूज किया है स्टेप डेविएशन मेथड. सो स्टेप डेविएशन के केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन का, मीन का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई. तो ये मेरा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हुआ. इसमें आपको पता है एक्स बार क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है मीन को. एफ क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी. डी क्या है, दैट इज डेविएशन, डेविएशन ऑफ अ आइटम फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू. एंड डी डैश किससे निकलता है, जब हम डी को डिवाइडेड बाय आई करते हैं. और जो आई क्या है, दैट इज कॉमन, इज कॉमन नंबर, या वी कैन से कॉमन वैल्यू. ओके, नाउ एक्स बार निकालेंगे. देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डी निकालना है. हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं. बट ये हमारी कौन सी सीरीज है, हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है. तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या रखेंगे, एम निकालेंगे, दैट इज मिड वैल्यू. वो कैसे आती है, 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2 आएगी 24.5, 30 + 39 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 34.5, 40 + 49 डिवाइडेड बाय 2 44.5, फिर 50 + 59 डिवाइडेड बाय 2 54.5, 60 + 69 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 64.5. ये हमने मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगाया और हमने सारी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली. हाँ जी, इसमें एक चीज मिस कर दी मैंने, ए, ए क्या होता है, दैट इज अज्यूम्ड वैल्यू. ओके, ये हम कोई भी मिडल वैल्यू चूज कर लेते हैं, मिड में से लेंगे. ठीक है, हमने अपने क्लास इंटरवल को इसमें मिड वैल्यू में चेंज किया है, तो यहां इसे हम ए ले लेंगे. मैं ये सेंटर फिगर को ए ले रही हूं, ये मैंने ले लिया अज्यूम्ड मीन. अब मैं क्या निकालूंगी, डी. डी कैसे हमारा निकलता है, डी हमारा निकलेगा इस केस में एम माइनस ए. ओके, एम माइनस ए. नाउ
डी कैसे निकलेगा, एम माइनस ए. एम क्या है पहले केस में, 24.5 माइनस 44.5 माइनस 20. 34.5 माइनस 44.5 माइनस 10. लाइकवाइज सारे निकाल देंगे, 0, 10 एंड 20. अब डी डैश कैसे आएगा, डी डैश आएगा, हम कैसे डी डैश को निकालते हैं, डी डैश होता है डी डिवाइडेड बाय आई. ठीक है, तो आई क्या है, दैट इज कॉमन वैल्यू. इनमें कॉमन वैल्यू देखो क्या है, 10. हमने आई को क्या ले लिया, 10 ले लिया. इन दिस केस हमने आई को क्या लिया है, हमने 10 ले लिया है. सारी डी की वैल्यू को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे. सो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2. नाउ अब क्या चाहिए, एफ डी डैश. एफ डी डैश कैसे निकलेगा, जब हम पूरी फ्रीक्वेंसी को इस डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. पहला क्या है, 10 इंटू माइनस 2, तो क्या आएगा, माइनस 20. फिर है 8 इंटू माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, माइनस 8. नेक्स्ट क्या है, दैट इज 6 इंटू 0 0, देन 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 4. सो अब हमें क्या चाहिए, सॉरी यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां कर रही हूं समेशन एफ डी डैश. तो वो कैसे आएगी, जब हम इन सब आइटम्स को प्लस कर देंगे, तो ये आया हमारे पास माइनस 20. नाउ ए हमें चाहिए, हमारे पास है, हमने क्या लिया, 44.5 प्लस, सो ए लिख लिया हमने, प्लस समेशन एफ टी डैश क्या निकाला, माइनस 20 डिवाइडेड बाय एन. एन क्या है इस केस में, एन इज, एन क्या है, दैट इज समेशन एफ. समेशन एफ के साथ एन आता है, सो समेशन एफ क्या है, एफ का टोटल कर दू, समेशन एफ जो कि हमारा आया 30. सो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू, आई क्या था हमारा, 10 था. सो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 37.83. सो हमने देखा कि इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, हमें उसको जब हमने मीन निकालना है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा सिंपली उससे आंसर आ जाता है. ये इसलिए भी क्योंकि अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते तो भी जो हमारी मिड वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी थी. थैंक यू.